वर्जन बाय बैटरी। तो वर्जन बाय बैटरी देखो क्या होता। तो बैटरी क्या करती है, जैसे वी वोल्ट की बैटरी है, मतलब ये वी वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन कर रही है। अगर इसका पोटेंशियल में 0 वोल्ट मान लो तो इसका पोटेंशियल वी वोल्ट हो जाएगा इस वाले का, यही तो है। तो जब बैटरी इधर से क्यू चार्ज देती है तो एक्चुअली क्या करती है, इधर से क्यू चार्ज ले भी लेती है। तो जब क्यू चार्ज यहाँ से यहाँ जाएगा, समझ में आ रहा है, जब चार्ज फ्लो करेगा तो वर्क कितना करेगी बैटरी, अगर बैटरी से क्यू चार्ज फ्लो कर गया मान लो यहाँ पे, तो वर्क डन बाय बैटरी क्या होगा, तो इसका पोटेंशियल कितना राइज करा, इधर तो जीरो था क्यू इंटू जीरो, इधर पे कितना हो गया पोटेंशियल क्यू इंटू वी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, समझ में आ रहा है। अरे भाई ये जो भी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है तुम्हारा, चेंज इन मैकेनिकल एनर्जी, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही है तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, समझ में आ रहा है क्या। और एक्सटर्नल फोर्स कौन है जो चार्ज पे कर रहा है, वो बैटरी का ही फोर्स है, वर्क डन बाय बैटरी, समझ में आ रहा है क्या। इसको ऐसे लिख देते हो, वर्क डन बाय बैटरी, तो वो कितना आ रहा है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्यू भी हो गई, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी क्यू इंटू जीरो, तो क्यू इंटू वी। तो इतना बात करता है बैटरी, बैटरी से जितना चार्ज फ्लो करता है उसको बैटरी के पोटेंशियल से मल्टीप्लाई करो तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, वर्क डन बाय बैटरी, तो लिख दो ना इंटू वी। ये है, ये क्या है, बाय बैटरी, पहले तो ध्यान रखना, ये वर्क डन बाय बैटरी है। क्यू मतलब क्या है, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, याद रखना बैटरी से जो चार्ज फ्लो करा है ना, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। देखो सारे जितने भी हम बताए टर्म्स लिखते हैं उन सबके मीनिंग वही लिखा करो फॉर्मूले के साथ, ताकि याद रहे हमको ढंग से, है ना, गलती ना हो। चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, और वी मतलब क्या है, वोल्टेज ऑफ बैटरी है ना, वोल्टेज ऑफ बैटरी। वर्क डन बाय बैटरी है ना, क्या हो गया, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इनटू वोल्टेज ऑफ द बैटरी, ठीक है। अब इसमें देखो अगला नोट लिखो भाई, इफ बैटरी इज, दो चीजें हो सकती है ना, बैटरी तुम्हारी चार्ज हो रही है और डिस्चार्ज हो रही है। इफ बैटरी इज चार्जिंग तो हम क्या बोलेंगे, अगर बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं तो वर्क डन बाय बैटरी, अब WD का मतलब ही वर्क डन बाय बैटरी है ना, मैं बार बार नहीं लिखूंगा ना, हम बैटरी के ही वर्क की बात कर रहे हैं अभी। तो अगर बैटरी को हम चार्ज कर रहे हैं मतलब बैटरी पे वर्क कर रहे हैं ना, बैटरी में एनर्जी स्टोर हो रही है, तो वर्क डन बाय बैटरी हमारा नेगेटिव होगा। और अगर इफ बैटरी इज डिस्चार्जिंग, अगर बैटरी डिस्चार्ज हो रही है तो हम क्या लिखेंगे, वर्क डन बाय बैटरी क्या है, पॉजिटिव। अब बैटरी डिवाइस पे वर्क कर रही है, जिस भी डिवाइस में एनर्जी दे रही है ना, बैटरी की एनर्जी कम हो रही है मतलब बैटरी पॉजिटिव वर्क कर रही है, वो किसी और को एनर्जी दे रही है, ये क्लियर है क्या। चलो देखो एक चीज देखो यहाँ पे ना, मान लो अपन इसको कनेक्ट कर देते हैं, इसका वी है इसका सी है, तो इस पर फाइनली कितना चार्ज आएगा बताओ, इस पर सी भी आ जाएगा, इस पर माइनस सी भी, तो बताओ एनर्जी कितनी स्टोर हुई है कैपेसिटर के अंदर, बताओ हाफ सी वी स्क्वायर है ना। और देखो बैटरी से कितना, बैटरी ने कितना वर्क करा ये बताओ, बैटरी अभी डिस्चार्ज हो रही थी पॉजिटिव करेगी है ना, बैटरी कैपेसिटर को चार्ज कर रही है, तो Q इंटू वी, और Q कितना है जो बैटरी से जो चार्ज निकला है, सी वी, अरे यही चार्ज तो बैटरी से पास करा है, सी वी, तो सी वी इंटू वी, तो वर्क डन भाई बैटरी कितना आ गया। तो यहाँ पे कुछ देख रहे हो, बैटरी ने सी वी स्क्वायर का वर्क करा, मतलब बैटरी ने सी वी स्क्वायर एनर्जी दी, पर कैपेसिटर में कितनी स्टोर हुई, सी वी स्क्वायर वाई टू, बाकी आधी कहाँ गई। तो लिखो वेन एवर ए कैपेसिटर इज चार्ज, सम पार्ट ऑफ द वर्क डन भाई बैटरी is stored as energy in the capacitor. Whenever a capacitor is charged, some part of the work done by battery is stored as energy in the capacitor, and rest of the energy is lost as heat. तो हमने क्या लिखा भाई, whenever a capacitor is charged, some part of the work done by the battery is stored as energy in the capacitor. एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट, ये क्लियर है क्या। तो इस केस में आधी एनर्जी हीट में चली जाती अगर रजिस्टर होता तो, ये पता है ना हीट लॉस्ट अक्रॉस रजिस्टर क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी, जैसे हमने जो सर्किट बनाया उसमें तो रजिस्टेंस है ही नहीं, तो इसमें तो कोई हीट का लॉस हो ही नहीं ना, तो फिर इसमें एनर्जी कहाँ, अगर रजिस्टर होता
तो एनर्जी रजिस्टर के अक्रॉस हीट में चली जाती, पर यहाँ पर तो रेजिस्टेंस है ही नहीं, फिर एनर्जी कहाँ गई? तो आगे लिखो, ये तो तब का केस है जब रेजिस्टेंस होता है ना। अब अगला लिखो, इफ देर इज नो रेजिस्टेंस, इफ देर इज नो रेजिस्टेंस चार्ज वुड एक्सेलरेट एंड एक्सेलरेटेड चार्ज एंड एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स। ये पढ़ा होगा। हैंस रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो इफ देर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट चार्ज वुड एक्सेलरेट एंड एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएट्स, हैंस रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो जब रेजिस्टेंस नहीं होता तो क्या होता है? तो वो कॉन्स्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी से नहीं जाएगा, चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट करेगा, और जब भी चार्ज एक्सेलरेट करता है रेडिएट करता है ना। ये हम अभी अपनी अपनी फिजिक्स में नहीं पढ़ते हैं, ये मैक्सवेल इक्वेशन से निकल के आता है ना, तो अभी हमारी 11th 12th की फिजिक्स में नहीं रहेगा, पर इतना पता होना चाहिए कि एक्सेलरेटेड चार्ज रेडिएशन करता है, और रेडिएशन मतलब जो लाइट भी तो रेडिएशन ही है, और उसमें एनर्जी होती है, तो एनर्जी उस फॉर्म में चली गई। समझ में आ गया? पर याद रखना, जितनी भी हीट लोगी, रजिस्टर हो ना हो, जितनी भी एनर्जी लॉस होगी दैट वुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिखो अगला। रिमेंबर द लॉस्ट एनर्जी इन दिस केस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। रिमेंबर इन दिस केस लॉस्ट एनर्जी, रिमेंबर इन दिस केस लॉस्ट एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। रिमेंबर इन दिस केस लॉस्ट एनर्जी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रेजिस्टेंस। जैसा अपन ने पढ़ा था हीट लॉस है ना, या फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो पढ़ते हैं, पावर होती है I स्क्वायर R और हीट होती है I स्क्वायर R T। तो हमें दिख रहा है कि हीट R पे डिपेंड करती है ना, पर वो तब का केस है जब रेजिस्टर अकेला है, जब कैपेसिटर आ जाएगा तो हीट रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, समझ में आ गया? तो फिर कैसे निकालेंगे अगर हीट है? अब यहाँ पर हीट रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही, तो फिर हीट लॉस्ट कैसे निकालें? तो देखो भाई, डेल ऐसे दिखा रहा हूँ हीट लॉस्ट, तो वो तुम निकालोगे, दैट वुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय द बैटरी माइनस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ये लिखो, ये बहुत काम का है, इस तरह के क्वेश्चंस एडवांस में आते हैं, हमें निकालना आना चाहिए। ये क्या है? हीट लॉस, हीट लॉस्ट या फिर एनर्जी लॉस, जो भी है ना, हीट लॉस एनर्जी लॉस जो भी है। ये क्या है? वर्क डन बाय बैटरी, और ये क्या है हमारा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द, या फिर जो भी एनर्जी है ना, जो एनर्जी कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रही है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एनर्जी है, जो भी बोला, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है क्या? तो इस केस में बताओ हीट लॉस कितना आएगा? यही फॉर्मूला लगाते थे, वर्क डन माइनस डेल यू। तो वर्क डन कितना है इसमें? सी वी स्क्वायर। डेल यू कितना है? यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल कितना है? हाफ सी वी स्क्वायर। यू इनिशियल कितना था? इनिशियली तो कोई चार्ज नहीं था उसमें, तो जीरो आ गया। तो इस केस में हीट कितनी लॉस हुई? आधी एनर्जी का लॉस हो गया। याद रखना, इस केस में वो हर एक केस में नहीं होगा ना। अगर कैपेसिटर में पहले से कुछ चार्ज होता तो अलग चीज होता, तो ये निकल के नहीं आता है ना। तो हमको ये फॉर्मूला लगाना है, हमें ऐसा नहीं रखना कि आधी एनर्जी लॉस हो जाती है, ये सब फर्जी वाला है, ये ध्यान रखेंगे हम। ठीक, तो करें क्वेश्चन फिर आगे। समझ में किसी को डाउट है क्या? तो जब भी हीट लॉस पूछा जाएगा सर्किट में, सबसे पहले तो वर्क डन बाय द बैटरी निकालेंगे, और वर्क डन बाय द बैटरी निकालने के लिए चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी निकालना पड़ेगा। उसके बाद इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। ठीक है, करें फिर। लिखो क्वेश्चन, लिखो 10 वोल्ट 2 माइक्रो फैरेड ले लो, और इनिशियल चार्ज दिया है -20 माइक्रो कूलम एंड 20 माइक्रो कूलम। ये इनिशियल चार्ज दिया है ना, ये मान लो तब का है जब स्विच क्लोज नहीं करा था, मान लो स्विच है यहाँ पे, और टी इक्वल टू जीरो पे हमने स्विच को क्लोज कर दिया ना। तो निकालो, फाइंड, पहला लिखो चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, ऐसे लिखो, पहला लिखो फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर। मैं पूरा प्रोसेस में स्टेप बाय स्टेप करवाता हूँ, फाइनल चार्जेस ऑन द कैपेसिटर। सेकेंड, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी। थर्ड, वर्क डन बाय द बैटरी। फोर्थ, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर बिफोर एंड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। चेंज इन एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर। फिर फाइनली हीट लॉस, मतलब अल्टीमेटली हीट लॉस निकालना है तुम्हें, और उसको निकालने के लिए तुम्हें पहले इतना सब निकालना पड़ेगा, तब जाके हीट लॉस निकलेगा ना। तो स्टेप बाय स्टेप दिया, एक एक स्टेप करके करो सॉल्व जल्दी से, बताओ क्या आंसर है। तो फाइनल चार्ज क्या आएगा बताओ कैपेसिटर पे? रेड कलर से लिख देता हूँ।
तो भाई इस पे 10 वोल्ट है, तो क्या होता है सी इंटू वी होता है फाइनल चार्ज, तो सी कितना है 2 माइक्रो इंटू 10 वोल्ट 20 माइक्रो कूलम, और पॉजिटिव प्लेट यहाँ है तो रेड कलर से फाइनल चार्ज दिखा रहा हूँ, फाइनल चार्ज आ जाएगा इस पे 20 माइक्रो कूलम और इस पे कितना आएगा -20 माइक्रो कूलम। कैपेसिटर को इनिशियल चार्ज से कोई मतलब नहीं, अगर बैटरी लगी है तो फाइनल चार्ज क्या आएगा सी इंटू वी, और पॉजिटिव वाले पे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव वाले पे नेगेटिव, समझ में आ गया फाइनल चार्ज। तो अगर फाइनल चार्ज इस पे +20 माइक्रो कूलम आ रहा है तो बैटरी से कितना चार्ज निकला होगा, बैटरी से कितना निकला होगा 40, समझ में आ रहा है। अरे पहले -20 था अब +20 हो गया, तो -20 में 40 जोड़ोगे तभी तो +20 आएगा, तो इस बार बैटरी ने 20 माइक्रो कूलम नहीं दिया, बैटरी ने कितना दिया है 40 माइक्रो कूलम, ये समझ में आया। तो चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी क्या है 40 माइक्रो कूलम। देखो पहले और दूसरे में कोई डाउट है क्या, आया समझ में? अच्छा देखो ये तो इनिशियल चार्ज है ना, ये तो मैं कुछ भी दे सकता ना, -60 +60 दे देता, कुछ भी दे देता, इनिशियल चार्ज से हमको मतलब नहीं है। फाइनल चार्ज क्या होता है कैपेसिटर पे, क्यू इज इक्वल टू सी वी, सी कितना है इसका 2 माइक्रो फेराइड, वोल्टेज कितना है इसका 10 वोल्ट, तो 2 माइक्रो इंटू 20, 2 इंटू 10 20 माइक्रो हो गया ये, और फेराइड इंटू ये क्या था, ये वोल्ट था ना, ये तुम्हारा हो जाता है कूलम, तो 20 माइक्रो कूलम आया ना। देखो इसको पुराने वाले से कन्फ्यूज मत करो, पुराने वाले से कोई रिलेशन नहीं है इसका, है ना, वो तो मैंने जानबूझ के ऐसा दिया डेटा। अब 20 माइक्रो कूलम आना है और ये पॉजिटिव प्लेट कनेक्टेड है ना, तो पॉजिटिव वाली पॉजिटिव चार्ज देगी, नेगेटिव वाली नेगेटिव चार्ज देगी, तो फाइनल चार्ज ऐसा आएगा 400 माइक्रो क्या जूल, है ना। तो वर्कडन क्या होता है भाई, चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, और देखो बैटरी डिस्चार्ज ही हो रही है तो पॉजिटिव होगा, तो कितना चार्ज फ्लो करा है 40 माइक्रो कूलम का इंटू 10 वोल्ट कर दो, तो कितना आ गया भाई 400 माइक्रो और कूलम इंटू वोल्ट जूल होता है 400 माइक्रो जूल। तो पहले एनर्जी देखो, एनर्जी क्या होता है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, एनर्जी कितना है क्यू स्क्वायर बाई टू सी, तो इनिशियली कितना चार्ज है बताओ इसमें 20, अभी देखो 20 लोगों -20 लोगों फर्क नहीं पड़ता है ना, तो इनिशियली आ जाएगा 20 माइक्रो का स्क्वायर बाय 2 कूलम 2 इंटू सी, सी कितना है तुम्हारा 2 माइक्रो है ना, तो ये कितना आ गया तुम्हारा 400 बाई 400 माइक्रो जूल्स। और आफ्टर तो क्या होगी, आफ्टर फाइनल चार्ज भी 20 है, फाइनल भी बिल्कुल सेम इक्वेशन आएगी, क्योंकि क्योंकि तुम तो -20 का स्क्वायर करो या फिर +20 का स्क्वायर करो, बात तो वही है, तो आप फाइनल एनर्जी भी कितनी आएगी 100 माइक्रो जूल्स। देखो इनिश एनर्जी को फर्क थोड़ी ना पड़ता है कौन सी प्लेट पे कौन सा चार्ज है, तो एनर्जी तो पहले भी 100 माइक्रो जूल थी और बाद में भी कितनी हुई 100 माइक्रो जूल, क्योंकि चार्ज चेंज नहीं हुआ, डेल्टा यू जीरो। तो कैपेसिटर की एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बस चेंज हो गया इधर से इधर, वर्क डन। एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, पहले भी एनर्जी 100 माइक्रो जूल थी, बाद में भी 100 माइक्रो जूल है, यही गलती कर दोगे बस, आईटी का एग्जाम यही होता है। तो कितनी कितना वर्क करा है बैटरी ने, 400 माइक्रो जूल का वर्क करा है बैटरी ने, क्लियर है सबको ये पक्का? ये कैपेसिटर में डिफिकल्ट वाले क्वेश्चन होते हैं एनर्जी वाले, क्योंकि इसका फंडा क्लियर नहीं होता है, अभी क्लियर है, इतने स्टेप से जाओगे कभी नहीं होगा, ये ध्यान रखना है बस, है ना, और कोई कंसेप्ट नहीं बनाना इसके अलावा, वरना जनरली ये कंसेप्ट बना लेते हैं कि भाई बैटरी का आधा कैपेसिटर में जाएगा आधा हीट में लॉस हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना, ऐसा तब होता है जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज हो, अगर कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज देते तो फिर वो सीन नहीं रहेगा। और क्वेश्चन करें क्या, किसी को पूछना है कुछ?